नमस्ते, मैं सुगत अधिकारी। मैं बात कर रहा हूँ रतला फिजियोथेरापी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ से। आज मैं डिस्कस करूँगा पल्मोनरी फाइब्रोसिस और लंग फाइब्रोसिस के एक्सरसाइज के बारे में। चलिए देखते हैं लंग फाइब्रोसिस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस के एक्सरसाइज कैसे करते हैं। लंग फाइब्रोसिस पेशेंट के लंग के अंदर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है और एल्वियर वॉल ठीक हो जाता है, इसीलिए पेशेंट का शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। पेशेंट थोड़ा सा चलने के बाद और काम करने के बाद थक जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है और कफिंग होता है, पर कोई प्रोडक्टिव कफ नहीं निकलता है, स्क्रूटम नहीं निकलता है कफिंग के टाइम में। और राउंडिंग ऑफ द फिंगर टिप्स और टोज दिखाई देता है पेशेंट के बॉडी में। तो चलिए देखते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस और लंग फाइब्रोसिस के लिए कैसे टाइप का एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस का जितना एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग। पेशेंट को रेगुलर वॉक करना है 15 मिनट्स करके दिन में दो बार, सुबह और शाम को। मॉडरेट स्पीड में वॉक करना है और कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज करना है। पेशेंट अपने आप फील कर सकता है जो कैसे वो टाइम इंक्रीज़ करेगा। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होगा कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है 15 मिनट्स वॉकिंग दिन में दो बार मॉडरेट स्पीड में। चलिए अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सांस को अंदर लेना है और उस टाइम में शोल्डर को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, और सांस को बाहर छोड़ना है उस टाइम में शोल्डर को रोटेट करके पीछे की तरफ से नीचे लेकर आना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। जब इनहेल कर रहा हूँ तो शोल्डर को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, और जब सांस को छोड़ रहा हूँ तब शोल्डर को रोटेट करके नीचे लेकर आ रहा हूँ। देखिए मैं और एक बार कर रहा हूँ। ऐसे करके 10 टाइम्स करना है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें सांस लेने के टाइम में हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और सांस छोड़ने के टाइम में हाथ को नीचे लेकर आना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं जब हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ सांस ले रहा हूँ, और जब हाथ को नीचे की तरफ लेकर जा रहा हूँ सांस को छोड़ रहा हूँ। मैं और एक बार दिखा रहा हूँ। ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 बार करना है, 10 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, हाथ को सामने ऐसे पकड़ना है, पकड़ने के बाद हाथ को स्ट्रेट करना है, सिर को सामने की तरफ ऐसे बेंड करना है, और उस टाइम में सांस अंदर लेना है, फिर हाथ पीछे आएगा, सिर को स्ट्रेट करना है और सांस को छोड़ना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जब हेड डाउन कर रहा हूँ तो इनहेल कर रहा हूँ और हाथ को स्ट्रेट कर रहा हूँ, और हेड अप एक्सहेल हाथ पीछे आएगा। देखिए सीधा जब हो रहा हूँ तब सांस को छोड़ रहा हूँ, और बेंड करने के टाइम में सांस अंदर ले रहा हूँ। ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करना है, 10 बार करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, हाथ पीछे रहेगा, हाथ सामने आएगा ऐसे करके, और सांस को अंदर लेना है, फिर हाथ पीछे जाएगा, सांस बाहर जाएगा, सांस को छोड़ना है। देखिए मैं कर रहा हूँ।
सांस अंदर ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। जब हाथ सामने आएगा सांस को अंदर लेना है, फिर बाहर करना है। ऐसे करके 10 बार करना है। ये एक्सरसाइज 10 बार करने के बाद वन साइड, सांस को अंदर लिया, बाहर छोड़ दिया। ये 10 बार करने के बाद ऑपोजिट साइड, सांस को अंदर लिया, छोड़ रहा। ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 बार करना है। ये एक्सरसाइज 10 बार करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हाथ को ऐसे रखना है, रख के वन साइड बेंड होना है। बेंड होने के टाइम में सांस अंदर लेना है, फिर स्ट्रेट होने के टाइम में सांस को छोड़ना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। ऐसे करके 10 बार करना है, फिर ऑपोजिट साइड। बेंड होने के टाइम में सांस अंदर ले रहा हूं और स्ट्रेट होने के टाइम में सांस छोड़ रहा हूं। और एक बार ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 बार करना है, 10 times। अब तक जितने एक्सरसाइज कर रहा था बैठ के, अभी खड़ा होकर एक्सरसाइज करना है। खड़ा होकर मैं 3 एक्सरसाइज दिखाऊंगा, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, खड़ा होकर हाथ को ऊपर उठना है, उस टाइम सांस अंदर लेना है, हाथ को नीचे करना है, सांस छोड़ना है। हाथ ऊपर करने के टाइम में सांस अंदर लेना है, इनहेल करना है, और हाथ नीचे करने के टाइम में सांस को छोड़ना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 बार करना है, 10 times। ये 10 बार करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें एक साइड बेंड होना है हाथ को ऊपर करके, और उस टाइम में सांस को अंदर लेना है, फिर स्ट्रेट होना है, उस टाइम सांस को छोड़ना है। देखिए कैसे कर रहा हूँ। मैं जब बेंड हो रहा हूँ सांस अंदर ले रहा हूँ, और जब स्ट्रेट हो रहा हूँ तो सांस को बाहर कर रहा हूँ। ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 बार करना है, करने के बाद ऑपोजिट साइड। जब बेंड हो रहा हो सांस अंदर ले रहा हो, और जब स्ट्रेट हो रहा हो सांस को बाहर छोड़ रहा हो। ऐसे करके 10 बार करना है ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 10 बार करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हाथ पीछे रहेगा, सिर को सामने की तरफ लेकर जाना है, उस टाइम सांस अंदर जाएगा, फिर स्ट्रेट होना है, उस टाइम सांस बाहर जाएगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। जब फॉरवर्ड बेंडिंग हो रहा है तब सांस अंदर जाएगा, फिर स्ट्रेट होने के टाइम में सांस बाहर जाएगा। और एक बार ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 बार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लाइन पोजीशन में, यहाँ पे क्या करना है, हाथ को ऐसे पकड़ना है, पकड़ के हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, सीट रोटेट करेगा, और उस टाइम में सांस अंदर लेना है, फिर वापस हाथ को लेकर आना है, ऐसे सोना है, और उस टाइम में सांस को बाहर छोड़ना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। जब हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ सांस अंदर ले रहा हूँ, हाथ नीचे की तरफ लेकर जा रहा हूँ सांस छोड़ रहा हूँ।
ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 बार करना है। ये 10 बार करने के बाद ऑपोजिट साइड में भी 10 बार करना है। ये एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेट सोना है ऐसे करके। ये इस वीडियो का लास्ट एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, हाथ को पेट के ऊपर ऐसे रखना है, सांस अंदर लेना है, अंदर लेने के टाइम में पेट ऊपर की तरफ जाएगा, हाथ रखने से आप फील कर सकते हैं। सांस अंदर लेने के टाइम में पेट ऊपर की तरफ जाएगा और सांस छोड़ने के टाइम में पेट नीचे की तरफ जाएगा। देखिए कैसे कर रहा हूँ। जब सांस ले रहा हूँ पेट ऊपर की तरफ गया, सांस छोड़ने के टाइम में पेट नीचे गया। और एक बार दिखा रहा हूँ। ऐसे करके ये एक्सरसाइज 10 बार करना है। ये था इस वीडियो का लास्ट एक्सरसाइज। मेरा वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्दी मिलूँगा। नमस्ते।